अल रहीम फैसल मस्जिद जाने का इत्तेफाक अक्सर होता रहता है। ये मस्जिद अल्लाह का घर होता है, इबादत गाह होती है, इबादत के लिए मसाजिद जो है ये बनाई जाती है। लेकिन बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वहां पर लड़कियां, औरतें, बच्चे जिस तरह से मस्जिद के तकद्दस को पामाल करते हैं तो दिल बहुत ज्यादा दुखता है। हमारे तो फुकहा ने नमाज के लिए अगर कोई औरत मस्जिद में आए तो उसके लिए भी शरायत जो है वो मुकर्रर फरमाई है। तो अब वहां जाकर लगता ही नहीं है कि यहाँ मस्जिद में आए हैं, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी पिकनिक पॉइंट पे आए हैं। ये सारे टूरिस्ट हैं, ये सारे विजिटर्स हैं, ये सारे पता नहीं यहाँ पे हल्ला गुल्ला करने के लिए आए हैं। इतनी ऊंची ऊंची आवाजें आ रही होती हैं, फिर वहां पे जो है वो वीडियो बन रही होती हैं, वहां पे बच्चों को जो है वो ऐसे वो खेल रहे होते हैं कि जैसे किसी पार्क में आए हुए। तो खुदा के लिए, खुदा के लिए सबसे पहले तो हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम मुसलमान हैं और हमें पता होना चाहिए कि हम अल्लाह के घर में आए हैं, मस्जिद में आए हैं। तो हमने यहाँ पर कैसे हाजिरी देनी है, कैसे हमने मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए होती है। तो वहां बेवजू तो मस्जिद में वैसे भी फुकहा मस्जिद के तकद्दस के पेशे नजर फरमाते हैं कि मस्जिद में जब जाए तो बावजू होकर जाए, तो पाकीज़गी का ख्याल रखें। लेकिन हम वहां जाकर उल्टा ऐसे माहौल को खराब कर देते हैं कि जो ऊपर से आकर देखने वाला बंदा ये समझता है कि पता नहीं ये मुसलमान फिर मसाजिद का ऐसे ही इकराम करते हैं। तो मस्जिद जो है उसको मस्जिद ही रहने दें। और मेरी ये गुजारिश है कि जो सहब इख्तियार लोग हैं, जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास अथॉरिटी है, उन लोगों को चाहिए कि फैसल मस्जिद हो, बादशाही मस्जिद हो, इवन के कोई दरबार शरीफ हो, तो ये सारे जितने भी मुकद्दसात हैं, जितने भी तकद्दस वाली जगह हैं, जितने पॉइंट्स हैं, तो इनका तकद्दस जो है उसका ख्याल जरूर रखना चाहिए। तो चूंकि फैसल मस्जिद तो टोटली जो है उसका इंतजाम गवर्नमेंट के पास है, तो उनको चाहिए कि वहां माहौल ऐसा बनाए कि मस्जिद का तकद्दस जो है वो बरकरार रहे और मस्जिद का तकद्दस पामाल ना हो, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को ये मैसेज जाए, ये पैगाम जाए कि ये मुसलमानों की इबादत गाह है और इबादत गाह में आने के लिए जो है वो क्या तरीका है और इबादत गाह में मुसलमान कैसे जाते हैं। तो हमें तो अपने किरदार से, अपने आमाल से लोगों को दिखाना चाहिए कि हम अल्लाह के घर का कितना इकराम करते हैं, हम मस्जिद का कितना उसके तकद्दस का ख्याल करते हैं। लेकिन हम ये वहां पर क्या दिखा रहे हैं ऐसी जगहों पे कि क्या मस्जिद का ये एहतराम होता है, क्या मस्जिद में ऐसे हाजिरी होती है। तो खुदा के लिए आवाम को भी सोचना चाहिए और जो जिनके पास अथॉरिटी है उनको भी चाहिए कि इसका जरूर पर जरूर ख्याल जो है वो करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सब को हमारे सालिया की तौफीक अता फरमाए।